1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक बड़ी ही अहम लड़ाई लड़ी गई थी, लोंगेवाला की लड़ाई, जहां रेगिस्तान में अपने एक आउटपोस्ट की हिफाजत के लिए मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में 23 पंजाब के जांबाज जवानों ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से नाकाम कर दिया। 1970-71 में पाकिस्तानी सेना भारत की पश्चिमी सीमाओं पर इकट्ठा हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के जनरल्स का इरादा था कि पूर्वी पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए भारत की पश्चिमी सरहदों पर हमला किया जाए, ताकि भारतीय सेना उस तरफ उलझ जाए और वो पूर्व में दखल ना दे सके। उन्हें लग रहा था कि इस तरह से भारत के पास ऐसे साधन नहीं बचेंगे कि वो पूर्वी पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा कर सके। काफी मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ा उन्हें। पाकिस्तानी टैंक्स जो जैसलमेर जाने वाली सड़क पर था और वो आगे बढ़ती पाकिस्तानी सेना के निशाने पर था, मगर भारत के मिलिट्री कमांडर्स ने 23 पंजाब की अल्फा कंपनी में थे उन्हें लोंगेवाला के उस सरहदी पोस्ट पर अक्टूबर 1971 में भेजा गया था। लोंगेवाला की अहमियत इसलिए भी ज्यादा थी कि वो रामगढ़ लोंगेवाला और साधेवाला जाने वाली सड़कों के टी जंक्शन पर था, और अगर पाकिस्तानी सेना लोंगेवाला पार कर लेती तो बड़ी आसानी से जैसलमेर तक पहुंच जाती। जब मेजर चांदपुरी ने लोंगेवाला पोस्ट की कमान संभाली तो उनके साथ सिर्फ 100 जवान थे और उनके डेप्यूटी थे एक युवा लेफ्टिनेंट धर्मवीर जो उनके कंपनी ऑफिसर थे। उनके अलावा वहां कुछ बहादुर और दिलेर JCOs और NCOs भी थे जो किसी भी आर्मी यूनिट में जूनियर लीडर होते हैं। बात जहां तक हथियारों और एम्यूनिशन की थी तो भारतीय सेना के इन्फेंट्री के जाबाजों के पास हाथ में पकड़े जाने वाले हथियार थे और मेजर चांदपुरी के जवानों के पास 2 जीप थी जिनके ऊपर एंटी टैंक गन्स लगी थी, साथ में खतरनाक और सटीक 106 mm RCL के अलावा बड़ी संख्या में मोर्टर्स और एंटी टैंक माइंस भी थे, और एक ऐसी टीम भी जो वो बारूदी सुरंगें बिछा सके। इन हथियारों के दम पर ही मेजर चांदपुरी ने अपने जवानों के साथ उस रात पाकिस्तानी हमले का करारा जवाब दिया, जबकि उनके मुकाबले पाकिस्तानी सेना की तादाद बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उनके पास 3000 जवानों वाली एक इन्फेंट्री ब्रिगेड थी जिसमें 4 बटालियंस थी और उनकी मदद के लिए T-59 टैंक्स की पूरी टैंक रेजिमेंट थी। जवानों को कहीं ले जाने के लिए मैकेनाइज्ड व्हीकल्स के अलावा 2 जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी थे जो बारूदी सुरंगों को सूंघ लेते थे। बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तानी मीडियम आर्टिलरी की रेंज 25 किलोमीटर थी। युद्ध के दौरान सबसे बड़ी लड़ाई लोंगेवाला में हुई, क्योंकि सरहद पर किसी और जगह पर पाकिस्तान ने उतना जोरदार हमला नहीं किया था जितना यहां किया। पाकिस्तान का इरादा था राजस्थान सेक्टर के बड़े से बड़े इलाके पर कब्जा करके बांग्लादेश में हुए नुकसान की भरपाई करना। पाकिस्तान रात में हमला करने वाला था, इसलिए उसने अपनी वायुसेना को उस वक्त एक्टिवेट नहीं किया था। चांदपुरी अपनी पोस्ट के एक एक पिकेट में जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाने लगे और उन्हें पोस्ट पर चारों तरफ से हो रहे पाकिस्तानियों के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उत्साहित करते रहे। 4 और 5 दिसंबर 1971 की पूरी रात मेजर कुलदीप चांदपुरी और उनके साथ साथ 23 पंजाब के उनके दिलेर जवानों पर पाकिस्तानियों ने जबरदस्त दबाव बनाए रखा। उसके अलावा मेजर चांदपुरी और उनके जवानों पर पाकिस्तान की आर्टिलरी सीधे गोलाबारी कर रही थी और मोर्टर्स दाग रही थी, और ये हमले वो टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स से कर रही थी, लेकिन भारतीय सेना ने हार नहीं मानी।